मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली के मेहरौली में 4 लोगों की हत्या हो गई है। पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की गई। पति पर पत्नी और बच्चों की हत्या का आरोप है। तो दिल दहला देने वाली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंडिया न्यूज पर, हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी और 3 बच्चों की हत्या हो गई है और जो पूरे हत्या का आरोप है वो पति पे लगाया जा रहा है। पुलिस मौके वारदात पर है और उसकी छानबीन कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, क्या है पूरी खबर? जी, दिल्ली के मेहरौली एरिया में ये वारदात हुआ है और यहाँ पे एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को चाकू मार के उनकी हत्या कर दी है। और खबर ये, मतलब सूत्रों ने ये बताया हमें कि उन्होंने जिसने हत्या करी है वो उन्होंने एक नोट, कन्फेशन नोट भी लिख के गए हैं वो, और उसी के बेसिस पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। जैसे अभी तो आप बता रहे हैं कि जो पति जिस पे आरोप लगाया जा रहा है उसने कबूला भी है अपना जुर्म, तो अभी पति क्या मौका वारदात से फरार बताया जा रहा है? नहीं, जहां तक खबरें हैं, जहां तक सूत्रों ने अभी वो बताया, इस पे एक्चुअली हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, पर कहीं कहीं से रिपोर्ट ये आ रही है कि वो कस्टडी में है पुलिस के पास, पर इस बात की एग्जैक्ट क्लैरिटी हमारे पास अभी है नहीं। एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, पर कब और कैसे हुई ये घटना, इसके बारे में क्या आपके पास अपडेट्स है आदित्य? जी, ये आज सुबह की खबर है, करीबन 5-6 बजे के आसपास की खबर, तब ये वारदात हुआ था और उसी में आसपास वाले जो लोग थे, नेबर्स वगैरह, उन लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस मौके पे पहुंची। जी आदित्य, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।